हेलो, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिए हैं, उसी क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू, और सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास x और y, इसीलिए यहाँ पर हम लोग के पास दो इक्वेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 7x माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू टू, ठीक है। ये है, तो इससे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 15y को इधर लेके आएंगे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 15y। तो x का वैल्यू आ जाएगा बाय 7, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब ये x का वैल्यू आया। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो जो x का वैल्यू आएगा उसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन टू, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम लोग रखते हैं x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन हमारा x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री। तो x का रख रहे हैं हम लोग 2 प्लस 15 वाई बाय 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 14y इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 14y 7 इंटू 3 21, ठीक है। अब 15 प्लस 14y प्लस 15y हमारा हो जाएगा 29y, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस 2, तो ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है, 19/29। अब इस y के वैल्यू को हम लोग फिर से किसी भी इक्वेशन पे रख दो, फर्स्ट या सेकंड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारा छोटा इक्वेशन दिख रहा है, तो सेकंड पे ही रख देते हैं। वैसे इस वैल्यू को तुम किसी भी इक्वेशन पे रख सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो ये छोटा इक्वेशन लग रहा है तो छोटा पे रख देते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, तो पुट करते हैं वैल्यू, x प्लस वाई है हमारा इंटू 19/29 इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, ये इधर आएगा तो 19/29। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 19 इंटू 2 38, ठीक है। अच्छा, इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा 3 माइनस, अच्छा सॉरी, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा ना। एक्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे तो 29 आ गया, ये आ गया। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करने पे कितना आएगा, करके देखते हैं, 77 माइनस 38,
आ गया 9 और 39, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, कहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इंटू 19 बाई 29 इक्वल्स टू 3। अच्छा ये 87 होगा, ठीक है, तो अब आ जाएगा 49/29। तो देयरफॉर x आ गया हमारा 49/29 और y आ गया 19/29। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसी तरह ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया है सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से एस या टी किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, हम लोग एस का निकालते हैं। तो एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस। अब इसको पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ एस इन, देखो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। तो एस आया है हमारा 3 प्लस टी, तो एस के प्लेस में हम लोग 3 प्लस टी रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3 को दो बार करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 प्लस टी, इधर 2 को कितना बार करेंगे तो 6 आएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 3t, ठीक है। एलसीएम लेने तो आता होगा सबको मेरे ख्याल से, ठीक है। तब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2t, और ये आ जाएगा 3t। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इससे इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। अब 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 30, और t हमारा हो जाएगा 30/5। ये कितना आ गया, 6। तो t का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब t का वैल्यू को किसी पे भी रख दो, लेकिन देखो हमेशा उस इक्वेशन पे रखना जो इक्वेशन छोटा दिखे, ठीक है, मींस जिस इक्वेशन पे रखने पे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो। वैसे तो किसी भी इक्वेशन पे रखोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है, रख के देख लेना तुम लोग घर पे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन 1, तो रखते हैं इसका वैल्यू एस माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो t का वैल्यू आया है 6, s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s आ गया हमारा 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो ये आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, देयरफॉर s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा आ गया s और t का वैल्यू। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे जितना वेरिएबल है दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल थे, एस और टी, तो दोनों का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें भी किसी भी x या y का कोई सा भी वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग,
3x/2, तो x का वैल्यू -5y/3 = -2। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो इस पूरे टर्म को इधर भेजना होगा, तो ये इधर आएगा, तो +5y/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x/2 = इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा -6+5y। ठीक है, अब देखो 3x/2 = -6+5y/3। अब 3/2 को इधर भेजेंगे, डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या तो फिर 3/2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2/3। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -6+5y/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x = सॉल्व करेंगे 2 × -6 - 12 + 2 × 5 = 10y और 3 × 3 = 9। ठीक है, ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पे पुट करेंगे। तो x के जगह पे पुट करते हैं x/3 + y/2 = 13/6। तो x के प्लेस में पुट करते हैं, x पे क्या है -12 + 10y 1/3 पहले। ठीक है, तो 1/3 को हम लोग पहले लिख लेते हैं और x के जगह पे इसको पुट करते हैं। अब y/2 = 13/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो x के प्लेस पे हम लोग ये पूरा टर्म को कर लिए, तो इसको 1/3 × x लिख सकते थे ना, तो x के जगह पे ये रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 + 10y और नीचे 9 × 3 = 27 +y/2 = 13/6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा वो देख लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 54। ठीक है, 27 और 2 का एलसीएम 54 हो गया, तो 27 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 2 कितना हो गया -24 + 2 × 10 = 20y। अब देखो 2 से 54 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, 54 करेंगे तो 2 × 4 = 2 × 7 = 14, 27 आ गया, तो ये हो गया 27y = 13/6। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -24 + 20y + 27y, ये हो जाएगा 47y/54 = 13/6। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × -24 + 47y और ये हो जाएगा 54 × 13। तो इसको करेंगे तो 6 × 4 = 24 + 6 × 2 = 12 = 13 = 14 -144। अब 6 से इसको करेंगे तो 6 × 7 = 42 + 6 × 4 = 24 = 28y। ठीक है, अब 54 × 13 को करते हैं 54 × 13, ये आ जाएगा 704 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 282y = 704 + 144। 282y = 848, तो y हो गया हमारा 848 बाय
282। अब इसको क्या करना है, कैंसिल करो। तो हमारा यहाँ पे कहीं पे तो गलती हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये तो कटेगा है नहीं। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 24, अच्छा देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 54 इंटू 30 होगा, यहाँ 702 होगा। तो ठीक है, इसको करेंगे तो ये होगा 6 हो जाएगा। तो देखो अब कट जाएगा 3 से, ये 6 आया तो 3 से कट गया, ठीक है। 3 2 6 3 24 3, तो ये 3 से कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ गया 3। अब इस y का वैल्यू को रख लो, किसी भी इक्वेशन पे रख लो, सेकंड इक्वेशन पे रख लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा x/3 + 3/2 = 13/6। वाई के जगह पे 3 पुट कर दिए, तो x/3 हो जाएगा 13/6 - 3/2। तो x/3 = इसके एलसीएम हो गया 6 13 - 9। तो ये कितना हो जाएगा, 4/6। तो x का वैल्यू आ गया 4/6 × 3, ये कैंसिल आके 2 आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। तो x का वैल्यू आ गया 2। देखो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर x = 2 एंड y = 3, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ठीक है, इसी मेथड से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, या तो फिर जो भी बुक है तुम्हारे पास, उस बुक का क्वेश्चन को खुद से कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन करो, ठीक है।